मर मत जाना। चलो चले रहा फोटो सेशन होगा ना इसमें चतरा पुलिस अधीक्षक और चतरा पुलिस की पहल पे लगातार टीपीसी के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है। उसी की कड़ी में टीपीसी का एक बड़ा जो कमांडर है कोहराम, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसमें संयुक्त रूप से चतरा और हजारीबाग पुलिस ने हजारीबाग के ही शहर के साथ लगे क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की है और उसमें काफ़ी रिकवरी हुई है। लेवी का अमाउंट लगभग 19,65,000, इसके निशानदेही पे एक हथियार बरामद हुआ है और अभी इसको हम लोग रिमांड पे लेके और आगे पूछताछ करेंगे। हजारीबाग और चतरा जिले में अब तक कितना मामला दर्ज है सर? इस पे लगभग जो अभी तक की सूची हम लोगों के पास है उसमें 24 मामले हैं और बाकी सत्यापन कराया जा रहा है कि और भी सीमावर्ती जिलों में इसके नाम से कोई केस है तो उसको भी हम लोग सूची तैयार करेंगे। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ कहाँ था? इसका कार्यक्षेत्र चतरा, हजारीबाग, यही सब एरिया है। उसमें बहुत सारा कोल बेल्ट है, जिस तरह बड़का गांव है, घाटो है, चरी है, ये सब क्षेत्र में भी इसका प्रभाव था। परंतु अभी जितने भी इसके टीम के सदस्य हैं बहुतों पे चतरा पुलिस द्वारा, हजारीबाग पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है और जो भी बचे हुए हैं उन पे हम लोग लगातार कार्रवाई जारी रखें। सफेदपोश से संबंध सर इनका? इसमें इसकी जो पत्नी है वो वर्तमान में चतरा जिला परिषद की अध्यक्षा है और जब गिरफ्तारी हुई है तो वो इसके साथ थी। उसकी संलिप्तता के बिंदु पर हम जांच पड़ताल करेंगे और यदि जो है संलिप्तता पाई जाती है तो चाहे जो भी व्यक्ति हो, जो भी इनको समर्थन करते हैं, किसी भी स्तर के व्यक्ति हो, उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। सर ये काफ़ी अकूट संपत्ति बनाया है सर, इसको लेकर क्या कुछ पुलिस सवाल कर रहा है? पूर्व में इसका यहाँ पे एक घर है, उस घर को पुलिस ने अटैच किया है और अभी इससे पूछताछ जारी है। इसकी पूछताछ के बाद जो भी इसकी संपत्ति, इसके रिश्तेदारों के नाम से, इसके अपने नाम से, इसके जो गुर्गे हैं जो इसके लिए दलाली करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके नाम से जो संपत्ति इसने खरीदी है, चल और अचल दोनों को हम लोग जो है जब्त करने की कार्रवाई करें। इस मामले में नहीं, एनआईए के पास ऑलरेडी जो है चतरा पुलिस द्वारा दर्ज केस एनआईए को ट्रांसफर हुए हैं तो वो केसेस में अभी अनुसंधान जारी है तो उसमें इसका भी नाम है।